नमस्ते बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम अपनी पिछली क्लास में दोस्त की पोशाक लेसन 5 जो है पाठ लेके आए थे। कविता के रूप में हमने पढ़ा था, पोएम के फॉर्म में। तो हमने यहाँ तक पढ़ चुके थे हम कि दो दोस्त होते हैं। एक बार फिर से हम रीकैप कर लेते हैं। दो दोस्त होते हैं, नसीरुद्दीन और उनके फ्रेंड जमाल साहब। जमाल साहब से मिलने आते हैं नसीरुद्दीन हैं, और नसीरुद्दीन से इनसे मिलने कौन आते हैं? ये जमाल साहब इनसे मिलने आते हैं। ठीक है, बहुत दिनों बाद आते हैं। ठीक है, तो दोनों बड़े खुश होते हैं मिलके आपस में। ठीक है, फिर नसीरुद्दीन उनको कहते हैं कि चलिए हम जो हैं ये जो नसीरुद्दीन है इनको कहते हैं चलिए हम कहीं घूमने चलते हैं। तो नसीरुद्दीन कहते हैं कि मेरे पास तो कोई खास पोशाक ही नहीं है। तो नसीरुद्दीन कहते हैं कि अच्छा ठीक है, ये ले लो मेरी अचकन और तुम इसको पहन लो। ठीक है, और फिर वो तैयार हो जाते हैं बनठन के और पड़ोसी के घर जाते हैं। पड़ोसी के घर जाते हैं तो पड़ोसी से उनकी मुलाकात कराते हैं नसीरुद्दीन जमाल साहब की, और कहते हैं कि देखिए ये कौन है, मेरे मित्र हैं। ठीक है, इनका नाम जमाल साहब है और जो ये अचकन पहनी है वो मेरी है। ठीक है, वो ये बता देते हैं। तो ये सुन के उनको वो थोड़ा बुरा लगता है जमाल साहब को, तो से चले जाते हैं। फिर जो है जमाल साहब उनसे माफ़ी मांगते हैं। क्या कह के माफ़ी मांगते हैं? कि अगली बार मैं ये शब्द कहूँगा, करूँगा यही प्रयास, अगली बार मैं ये शब्द नहीं कहूँगा, यही प्रयास करूँगा। ठीक है, तो नसीर मांगे माफी उनसे, क्षमा करो जनाब, अगली बार न ये शब्द कहूंगा, करूंगा यही प्रयास। कहते हैं कि मैं अगली बार ये शब्द नहीं कहूंगा। आई विल नॉट से दिस अगेन, कि ये अचकन मेरी है, किसी को भी नहीं बताऊंगा। आई विल ट्राई, प्रयास यानी कोशिश करूंगा। पिछले पार्ट में भी हमने पढ़ा था ये वाला शब्द। ठीक है, आगे फिर क्या होता है? फिर एक और उनको मिल जाते हैं पड़ोसी। ठीक है, तो उनसे इनकी पहचान कराते हैं, सुनते हैं। हुसैन साहब उनसे मिले, बात वही फिर कह डाली, था जिसका इनकार। जो इनके नए पड़ोसी मिले हैं नसीरुद्दीन के, हुसैन साहब। ठीक है, ये कौन है? हुसैन साहब है। ठीक है, नसीरुद्दीन के जान पहचान वाले हैं, ये नेबर ऑफ नसीरुद्दीन। ठीक है, तो हुसैन साहब मिलते हैं उनसे। ठीक है, बात वही फिर कह डाली इन्होंने नसीरुद्दीन ने। ही विल से अगेन था जिसका इनकार, जो उन्होंने थोड़ी देर पहले मना किया था, दैट ही विल नॉट से दैट इट्स माई अचकन, है ना। उन्होंने प्रॉमिस किया था, सॉरी बोलते हुए कहा था कि मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर से उन्होंने वही बात कह डाली। ही अगेन सेड दैट, ठीक है, था जिसका इनकार, लेकिन अब की बार उन्होंने किस तरीके से कहा? इन अ डिफरेंट वे। कैसे कहा? ये नहीं कहा कि ये अचकन मेरी है, लेकिन उन्होंने डिफरेंट तरीके से उनको बोला। क्या बोला? देखिए सुनिए। अचकन पहने जमाल साहब हैं, है इन्हीं की यह पोशाक। क्या कह दिया हुसैन साहब को? कि अचकन पहने जो जमाल साहब है, ये पोशाक किन की है? इन्हीं की है। अब वो ये बोल देते हैं कि मेरी नहीं है, उनको बस ये बता देते हैं कि ये वाली पोशाक जो है किन की है? जमाल साहब की है, मेरी नहीं है, जमाल साहब की ही पोशाक है। ठीक है, तो देखो फिर से वही बात कह डाली, पोशाक का तो जिक्र ले ही आए। जमाल साहब नाराज हुए फिर, झूठ क्यों तुम बोले, बात नहीं जो कहनी थी, वो भेद क्यों हो खोले, वह भेद क्यों हो खोले।
जमाल साहब बोले, तुमने झूठ क्यों बोला? व्हाई डिड यू से लाई? कि ये अचकन मेरी है, दैट दिस इज अचकन इज माइन, यू सेड लाई, तुमने झूठ बोला, और जो बात नहीं कहनी थी, जो बात तुमने मना किया था, तुमने फिर से वही बात बोल डाली, है ना, इन अ डिफरेंट वे. ठीक है, फिर क्या होता है नेक्स्ट? अब जमाल साहब गुस्से में आ जाते हैं और उनको क्या कहते हैं, कहे बात पोशाक बिना, कहे बात पोशाक बिना, काम तुम्हारा ना चल पाता, काम तुम्हारा ना चल पाता, ना कहना ही अच्छा है, हूँ बात तुमको समझाता, ना कहना ही अच्छा है, हूँ बात तुमको समझाता. कहते हैं कि पोशाक का जिक्र ही मत करो, डोंट टॉक अबाउट द पोशाक, ठीक है, उसका तुम जिक्र ही मत करो. ठीक है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू, डोंट टेल अबाउट द पोशाक, ठीक है, मत बोलो, इसी में ही यही अच्छा है. ठीक है, इसके बारे में ना कहना ही इज गुड, नॉट सेइंग द, नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट द पोशाक. ठीक है, उनको समझा रहे हैं. फिर क्या करते हैं नसीरुद्दीन, फिर क्या होता है, आगे बड़े घूमने निकले, मिला पड़ोसी एक, फिर तीसरी बार भी फिर से कोई पड़ोसी मिल जाता है. ठीक है, जब आगे बढ़ते हैं, फिर परिचय करवाया उनसे, फिर परिचय करवाया उनसे, जमाल साहब हैं नेक, जमाल साहब हैं नेक, पड़ोसी मिल गए, अब उनसे फिर से परिचय करा रहे हैं अपने दोस्त का, और फिर क्या कह रहे हैं, चुप रहूंगा कुछ न कहूंगा, चुप रहूंगा कुछ न कहूंगा, कि मैं चुप रहूंगा, बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगा, आई विल कीप साइलेंट एंड कीप से नथिंग. ठीक है, और वो क्या कहते हैं फिर, चुप रहूंगा कुछ न कहूंगा, मैं शब्द भी एक, पर अचकन पहने खड़े हैं जमाल साहब फिर नेक, पर अचकन पहने खड़े हैं जमाल साहब फिर नेक. कह रहे हैं कि जो अचकन इन्होंने पहनी है, दैट अचकन, उस अचकन के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, यानी अचकन के बारे में फिर से उन्होंने बात कह डाली, है ना, वो भी तीस अलग तरीके से, है ना. तो मतलब कहने का मतलब ये है कि नसीरुद्दीन अचकन की बात किए बिना रह ही नहीं पाए. ठीक है, तीनों पड़ोसियों के आगे हर तरह से अचकन की बात ले आए. आखिर में भी उन्होंने कहा, क्या कहा, मैं चुप ना रहूंगा, चुप रहूंगा कुछ ना कहूंगा, है, पर जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं बिल्कुल भी चुप रहूंगा, अचकन के बारे में कुछ नहीं कहूंगा. ठीक है बच्चों, तो ये था इस पार्ट का हिंदी में पोयम के रूप में वर्णन. ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम इस पोयम का पठन लेके आएंगे, स्टोरी का पठन, रीडिंग ऑफ दैट स्टोरी. ये तो हमने कन्वर्ट कर दी थी इसमें पोयम फॉर्म में, टू मेक इट इजी. ठीक है, बट नेक्स्ट क्लास में हम इसकी रीडिंग भी करेंगे. ठीक है बच्चों, तब तक आप इस पाठ का मजा लीजिए, इसको समझिए, इस पोयम का आनंद उठाइए, पाठ को समझिए. ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू.